नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में एक परिवार में दो बहुओं पर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दोनों बहुओं ने महिला थाने में जाकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। समस्तीपुर में एक ही परिवार के दो बहुओं को ससुराल वालों की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला रोसरा थाना अंतर्गत वनडीगा गांव का है, जहां सोनी कुमारी पति सरोज शाह, ज्योति कुमारी पति दिनेश कुमार शाह, दोनों का ससुराल एक ही घर में है और दोनों को ससुराल वालों की ओर से बराबर प्रताड़ित किया जाता है, जिसके बाद दोनों बहुओं ने महिला थाना में अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्यों परेशानी हो रहा है ससुराल में? जो परेशानी हो रहा है वो तो वही लोग ने बताया, हमारा बेटी क्या दिक्कत इनको दे रहा है, नहीं दे रहा है। हाँ। ये बात हम कैसे बोल सकते? अच्छा, तो परिवार के किस किए, देखिए जो भी बच्चा था, जो भी भूल चुका अगर कर तो हो जाता है, हो गया उसका क्षमा करते हम कई तरह से माफ़ी मांगते हैं, हमको माफ़ी कर दिए, अपना घर बसाइए। तो आप लोग गए थे अपने मतलब दामाद को समझाए थे कि नहीं? हाँ। क्या कर रहे हैं वो? बोलते हमने लड़की नहीं रखा। लड़की को नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। पूछे नहीं क्यों नहीं रखिएगा, क्या कारण है, क्या कमी है हमारी बेटी में? वो बोल रहा है तुम्हारी लड़की ऐसी है वैसी है। हाँ। दूसरे के बात सुनता है, दूसरे का जो कोई आदमी कुछ उसको बोल देता है। हाँ। उसी का बात पर वो खुद उठता है, उसी का बात मानता है। अच्छा। अपना फैमिली नहीं देखता, हमारा फैमिली कैसा है या नहीं है। हाँ। अपना जान करके फिर अपना देखना चाहिए कि हमारा फैमिली क्या है नहीं है। तो समाज में बैठ करके इसका मतलब समाधान नहीं किया जाए, थाना आगे डायरेक्ट समाधान किए थे? हाँ। बोला हम रखेंगे। हाँ। फिर वहाँ से लड़की को लाया। हाँ। फिर मारपीट करके लड़की को फिर भरा। कितना दिन से आपका लड़की आपके यहाँ है? साल से परे होगा। साल से परे होगा। क्या नाम हुआ आपके लड़की का? ज्योति कुमार। ज्योति कुमार। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश शाह। दिनेश शाह। घर? ग्राम कड़ी। ग्राम कड़ी। थाना? सिंहिया। थाना। आप अभी यहाँ पे आवेदन दिए हैं महिला थाना? अभी नहीं दिए, देने आए हैं। ठीक। आवेदन शनिचर को दिए हैं। फिर शनिवार को? हाँ, यही शनिवार। अच्छा। जब यहाँ आए महिला थाना आए, यहाँ देने के बाद मैम को सारा बात बोले हैं, तो मेरा हस्बैंड जी से बात किया, बोला क्या समस्या है, बोला जो क्या बोल रहे हैं, बोला कि आपको तो केस करना चाहते हैं, तो बोला कि नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम आ रहे हैं। बोला कब आ रहे हैं? दो दिन का बाद में हमको दो दिन समय दी, हम आ रहे हैं। दो दिन का समय मिला, मेरा हस्बैंड जी आए, अब देखिए उनसे क्या डिसीजन मिलता है। यहाँ से हमको अच्छे तरह से ले जाते हैं मुखिया सरपंच के साथ, सबके साथ हमको अच्छे तरह से ले जाने के बाद वहाँ छोड़ते हैं, मेरे साथ मारपीट सब करते हैं। बताइए क्या क्यों करता है? मारपीट करता है, यही बोलता है हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। हाँ। इकट्ठा जमीन नहीं जोतेंगे। हाँ। मगर तुम तुम्हारे बाप को औकात दिखाएंगे, तुम्हारे बाप को कितना औकात है, क्या करेगा तुम्हारा बाप, ये कर देंगे। मेरा पति हमेशा बोलते रहता है तुम्हारे भाई को हम मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बताइए क्या चाहते हैं, क्या कीजिएगा। कितना दिन हुआ है आपका शादी का? मेरा शादी का 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ है? हाँ, 3 साल। 3 साल में कितना दिन आप ससुराल रहे हैं? 3 साल में पूरा 3 साल में हम ससुराल में ही थे, 2 महीना 1 महीना अपना मायके में ही। हाँ। मगर ससुराल में कभी खुश नहीं रहे, मैं बहू का दर्जा नहीं मिला, वाइफ का दर्जा नहीं मिला। मतलब 3 साल में लगातार जो है परेशान कर परेशान 1 महीना 2 महीना ठीक रहते हैं, फिर वही धीरे। और क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहा है हमको फर्नीचर का सामान चाहिए, हमको पैसा चाहिए, यही सब मांग कर रहा है। और इससे पहले आपके पापा कितना पैसा दिया? मेरा पापा दिया 1,70,000 नगद दिया, 2.25 भरी सोना और 2 भरी सोना सारा।
के कारण मेरा पापा मेरे लिए डेड नहीं है। बोले हमको दीवान कौन चाहिए, मेरा पापा बोला जो हम बेटा जन्माए हैं इतना क्षमता है जो हम दीवान को दे सकते हैं। मेरा पापा का दीवान कुछ नहीं लिया। यहाँ आने के बाद मेरा साथ उल्टा सीधा बोलती रहती, फलना का दूध बेटा है तुमको बेटी है। हमको छोटा ऑपरेशन हुआ उसने मेरा साथ नहीं देती, जिसके कारण हम मायके में गए 8 महीना मायके से आए। आपके बच्चे बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की है। एक लड़की है। तो आप महिला थाना में जो आवेदन दिए हैं? हाँ, महिला थाना में। क्या यहाँ आवेदन दिया है तो कुछ आश्वासन मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी डिसीजन कुछ नहीं निकला। बोले हैं सारा बात तो रिपीट किए, बोला ठीक है आप जाइए अपना पति से बात कीजिए क्या कैसे आप। वो कौन है आपके बगल में? मेरी देवरानी। इनको भी वहाँ पे दोनों आदमी का क्या परेशानी है आपको? उनको भी ससुराल ले जाता है, यही सब होता है। कई बार न पंचायती हुआ, कितना मुखिया सरपंच सब आया, सबके सामने बोलता है कि हाँ हम फीस रखेंगे या कुछ नहीं होगा, फिर ले जाता है फिर वही हाल। थोड़ा खाना अच्छा बन जाता है उसमें भी पिटाई करता है, थोड़ा खराब होता है उसमें थोड़ा कम भी हो जाता है उसमें पिटाई करता है। बताइए अब हम कैसे रहेंगे उस समय। मैंने पिटाई करता क्यों है आप दोनों जो है व्यक्ति को क्यों वहाँ पे उतना जगह? पता नहीं, वही लोग ने जानेगा हम लोग क्या करते हैं नहीं करते, हम लोग में क्या कमी है या मेरा माँ बाप क्या नहीं दिया है उसको, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। घर में भी रहते हैं फिर धमकी देता है कि मैं बेटा को दूसरा शादी करेंगे, करेंगे वो करेंगे, इतना तिलक हमको मिलेगा। बताइए अब हम लोग कैसे रहेंगे उस घर। आपको कितना दिन हुआ शादी का? मेरा 2 साल हो गया। 2 साल हुआ है? 2 साल में आप कितना दिन ससुराल? 2 साल में हम 10 ही रोज रहे हैं, उसके बाद हमको नहीं ले गया। आपको 2 साल शादी का हुआ, मात्र 10 रोज ससुराल में रहे हैं? 10 रोज रहे, उसके बाद ना फोन करता है कोई ना ले जाता है, बस इतना ही धमकी देता है कि सामान ले जाओ मैं दूसरा शादी करूँ। और आप उस घर में जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार है। उनसे बात नहीं करते हैं? नहीं, मेरा माँ बाप शादी किया है रहने के लिए, छोड़ने के लिए। तो आपके पिताजी वहाँ गए थे आपके ससुराल में, जो है लोगों से बात किए थे? हाँ, उन लोग से बात किया था, लेकिन वो लोग बहुत बोल रहा था ये करेंगे वो करेंगे केस लड़ेंगे, कितना क्षमता है तेरा पापा को। केस क्यों लड़ेगा? वो बोला जो केस लड़ेंगे, क्या परेशानी किया है वहाँ, साफ साफ बताइए ना। परेशानी यही है कि वो लोग अच्छा से रखने नहीं करता है, जब खाना थोड़ा कम भी हो जाता है उसमें भी पिटाई करता है, ज़्यादा भी हो जाता है उसमें पिटाई करता है। बताइए किससे नहीं थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो। क्या नाम है आपके पति का? दिनेश साहब जी। दिनेश साहब आपके पति का? और आपके ससुर जी का नाम? पवन साहब। सास का? अनिता। अच्छा, वहाँ मायके में ससुराल में कितने परिवार में सर? देवर का क्या नाम हुआ? दीपक। क्या को देवर है? एक ही है। अच्छा, आपके पति क्या भाई हैं? तीन भाई हैं। अच्छा, तो कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर मायके या ससुर? ससुराल कहाँ हुआ? बंदीहा जी। बंदीहा। खाना कौन सा पड़ता है? थाना दूसरा थाना। अच्छा अच्छा, तो आप थाना में आवेदन दिए थे? नहीं, हम तो नहीं। फिर यहाँ महिला थाना डायरेक्ट आ गए? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक।